आज हम आपको कुछ बैक की स्ट्रेचिंग सिखाएंगे। जिन लोगों को भी कमर में दर्द रहता है या जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहते हैं अपने वर्क स्टेशन पे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहते हैं, उन सबको कमर में या तो स्टिफनेस हो जाती है या बैक पेन इनिशिएट हो जाता है। काफ़ी लोगों को लो बैक पेन में होता है कि पेन हो रहा है लो बैक में या फिर अपर बैक के लिए। आज हम आपको लो बैक की स्ट्रेचिंग सिखाएंगे, जो आप डेली रूटीन में अगर आप ये सारी स्ट्रेचिंग करते रहते हैं तो आपको कभी पेन नहीं फील होगा, जो भी आपकी डेली स्टिफनेस या टाइटनेस है वो रिलीज हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। पहले आपको सीधा लेट जाना है, बैक रिलैक्स। ओके, नाउ जस्ट लिफ्ट योर लेग अप विद द नी स्ट्रेट, गो टिल द 90 डिग्री, स्ट्रेच योर फुट टुवर्ड्स योर सेल्फ, नी शुड बी स्ट्रेट। यू फील द स्ट्रेच ओवर हियर और आप जितना इसको ला सकते हैं उतना 90 डिग्री और बियॉन्ड दैट आप लेकर आओ। होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स और आइदर 30 सेकेंड्स आपकी मैक्सिमम टॉलरेंस तक, एंड देन जस्ट रिलैक्स, रिपीट अल्टरनेटिवली। ओके, नेक्स्ट विल बी द हिप स्ट्रेच और द ग्लूटीज स्ट्रेच। आपको क्या करना है, एक घुटने को मोड़ना है, अपने दोनों हाथों से एक नी को अपनी तरफ प्रेस करना है, आपका दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा, कमर एकदम रिलैक्स रहनी चाहिए। आपको 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करनी है एंड देन स्टार्ट विद द स्ट्रेच मैक्सिमम। आपको हिप्स पे या ग्लूटीज पे आपको स्ट्रेच फील होगा। जिन जिन को हिप्स में पेन होता है ड्यू टू लो बैक पेन, उन लोगों के लिए ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है। आपको होल्ड करना है 15 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स, रिपीट अल्टरनेटिवली दूसरे पैर में, तब तक दूसरे पैर को रेस्ट मिल जाएगा एंड देन रिलैक्स। अब करेंगे लो बैक का स्ट्रेच। आप दोनों नीज को आपको साथ में ऊपर बेंड करना है, दोनों पैरों को फुट को पास में रखना है, दोनों नीज पास में होने चाहिए। जस्ट 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करना है, आपकी कमर पूरी टच होनी चाहिए बेड पे एंड देन हाथों से पकड़ो एंड प्रेस टुवर्ड्स योर चेस्ट। इससे आपको आपकी लो बैक में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड इट फॉर आइदर 30 सेकेंड्स और मिनट, जितना आपका टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। रिलैक्स। ये तीनों स्ट्रेच आप डेली बेसिस पे 3-3 बार कर सकते हैं। जैसे आपने मॉर्निंग में उठे आपने 3-3 बार रिपीट किए, 3 रिपीटेशंस, तीनों स्ट्रेच 3-3 बार, और इसी को आप मॉर्निंग और इवनिंग दिन में कर सकते हैं, आपको कभी बैक पेन नहीं होगा। ओके, अब फोर्थ स्ट्रेच होगा आपका पेल्विक रोलिंग। आपको दोनों घुटनों को मोड़ना है। अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड तो आपको लेफ्ट साइड फेस करना है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड देखना है और आपको रोल करना है, पेल्विक रोलिंग। दिस विल बी आपको राइट साइड जितना हो सकता है जस्ट स्टे रिलैक्स एंड बेंड योर बोथ द नीज अपने राइट साइड पे, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड और 20 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अब आपको राइट साइड देखना है और लेफ्ट साइड आपको अपने पेल्विक को रोल करना है, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। आपको साइड ऑफ योर बॉडी यू विल फील द स्ट्रेच और ऑन द हिप्स। ओके, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, थैंक यू। चल रहा है, थैंक यू।